D'accord. सबसे पहले हमें टैली के सेल परचेस चीजों को समझ लेना है कि जब भी हम टैली में सेल पे जाते हैं तो कुछ चीजें हमें यहीं से मिल जाती हैं। सबसे पहली होती है ऊपर इन्वेंटरी वाउचर। क्या होता है? कहता है कि सर अगर आप परचेज पे खड़े होके F1 बटन दबाएंगे और उसके नीचे अंडरलाइन है, अगर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होती है तो इसका मतलब उसको F ओल्ड के साथ यूज करते हैं। हमेशा अपने मन में बना लो कि जिस बटन के नीचे अंडरलाइन होती है उसको F ओल्ड के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? उसको ओल्ड के साथ यूज किया जाता है। तो अपने कीबोर्ड पर ओल्ड F1 बटन दबाओ। जैसे ही आप ओल्ड F बटन दबाओगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे? इन्वेंटरी वाउचर पे। इन्वेंटरी वाउचर क्या होता है? एक आइटम को कंज्यूम करना और दूसरी आइटम को जनरेट करने के लिए हम इन्वेंटरी वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो हम इसे स्किप कर देते हैं, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं। उसके बाद जैसे ही हम परचेज पे जाते हैं तो सेकंड टॉपिक हमें मिलता है डेट। क्या मिलता है हमें यहाँ से? डेट। जब भी हमें डेट चेंज करनी हो तो अपने कीबोर्ड पे हम लोग F2 बटन दबाते हैं, तो उसके बाद हमारी डेट चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ से F2 बटन दबा के अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मिलता है स्टॉक क्वेरी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे जितनी भी आइटम है आपके पास पड़ी होंगी या सेल होंगी वो सारी शो हो जाएगी। ये बताएगा आपने कैश में कितनी परचेज करी, सेल कितनी करी, गोडाउन में माल कितना है, आइटम ऑफ सेम कैटेगरी कितनी। तो यहाँ से ये स्टॉक कैटेगरी मिलती है। क्या मिलती है आपको? स्टॉक कैटेगरी। एंड लास्ट जो टॉपिक होता है यहाँ पर मिलता है अकाउंटिंग इनवॉइस। देखिए दो तरह से लोग काम करते हैं, एक करते हैं विद आइटम, एक करते हैं विदाउट आइटम। अगर आप अपने सीईओ के पास जाओ तो कभी भी स्टॉक मेंटेन नहीं करते, वो खाली उस बिल के अमाउंट को मेंटेन करते हैं। तो वो टैली में जब भी वो परचेज करते हैं तो सबसे पहले क्या कर देते हैं? वो यहाँ से इन्वेंटरी अमाउंट को ऑन कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर को। क्या कर देते हैं बोलो? अकाउंटिंग इनवॉइस को ऑन कर लेते। जब भी अकाउंटिंग इनवॉइस को ऑन करोगे ना आप, तो क्या हो गया? आपका क्वांटिटी रेट और अमाउंट गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? आपका क्वांटिटी रेट और अमाउंट गायब हो जाएगा। कैसे? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। यहाँ देखो दूसरी चीज, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करते ही परचेज लेजर गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है? परचेज लेजर। वो फिर आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर? खाली पार्टी का नेम और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? यहाँ पर अब आपको आइटम की लिस्ट नहीं डालनी है। यहाँ देखो लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर। क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ लेजर। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? अच्छा हमें अगर आपको सीए के पास जॉब करनी है या आइटमों को मेंटेन करके नहीं चलना, तो आप हमेशा जब भी काम करोगे तो इस पे क्लिक कर देना। जहां अकाउंटिंग इनवॉइस लिखा हो तो उस पे क्लिक कर देना, वो बन जाएगी आपकी अकाउंटिंग इनवॉइस बन जाएगी। इसके मतलब इसके अंदर आपको आइटम डालने की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास आप जॉब कर रहे हो उसके पास आइटम की नीड होती है कि कितनी क्वांटिटी आई और कितनी क्वांटिटी चली गई, अगर आपको उन टॉपिकों का यूज करना है देन आप यूज करोगे इन्वेंट्री इनवॉइस। यहाँ से जैसे ही इन्वेंट्री इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो वो आपकी विद आइटम आ जाएगी। देखो आप एक चीज और भी यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर लिख के आगे नेम ऑफ आइटम। जब आप इस पे क्लिक करते हो अकाउंटिंग पे तो वहां लिखा आता है पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर मतलब होता है विवरण, तो इसमें पार्टी डालनी होती है। दोनों टॉपिक समझ में आ गए? क्या है ये दोनों टॉपिक? अगर आइटम वाइज सर, का, हाँ यस, सर में पार्टी का नाम डालना होगा। हाँ, पार्टी का नाम डालना है खाली और कुछ नहीं डालना कि आपने कितने रुपए की परचेज करी, दैट्स इट, मैटर खत्म। ये कहलाता है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस। और अगर आइटम वाइज करोगे तो यहाँ पर आपको पार्टी की वो आइटम ही डालनी पड़ेंगी जो आपने उससे खरीदी है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक मिलता है एज पर एज वाउचर। क्या मिलता है? एज वाउचर। एज वाउचर क्या होता है? ये सीधा जनरल एंट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा? एज अ जनरल फॉर्मेट में।
अब ध्यान दो, जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करके एज वाउचर करा तो ये डायरेक्ट पहुंच गया डेबिट एंड क्रेडिट, है तो परचेज ही लेकिन आपको शो करेगा एज अ जनरल एंट्री। क्या शो करेगा आपको ये? एज अ जनरल एंट्री। बहुत से लोग ना तो अकाउंटिंग इनवॉइस यूज करते ना ही आइटम इनवॉइस यूज करते फॉर्मेट, वो हमेशा ये फॉर्मेट यूज करते हैं परचेज का डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको ये करना है तो कर सकते हैं, और अगर आपको एज अ इनवॉइस फॉर्मेट रखना है, इसको रियल में इनवॉइस फॉर्मेट कहते हैं, और जब आप इस पर क्लिक करते हो ये बन जाता है आपका वाउचर। क्या बन जाता है? वाउचर। इसके अंदर आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, जो जनरल एंट्री आपको बता रखी है वो सारी एंट्री आपको यहाँ पास करनी पड़ेगी। क्लियर है? नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक मिलता है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है? मेरे पास यहाँ एंट्री कर रहा था लेकिन मैंने कहा है इस एंट्री का रिफ्लेक्शन ना उसके लेजर में ना हो, आज ना हो 2 दिन बाद हो जाए, तो उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड, मतलब उसको पोस्ट कर देना। क्या कर देना? पोस्ट कर देना, वो कहलाता है पोस्ट डेटेड। अगर आपको चाहिए पोस्ट डेटेड तो इस पर क्लिक कीजिए, और करंट पे क्लिक करोगे तो ये बिल अभी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। क्लियर है? सर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ, दोबारा समझो। पोस्ट डेटेड मतलब होता है कि बिल आज कट जाए लेकिन उसके लेजर में 4 दिन बाद रिफ्लेक्ट करें। होता अच्छा नहीं, आप पार्टी के पास जाते हो, पार्टी कहती है लो सर चेक ले लो 1 लाख रुपए का, लेकिन सर मेरे अकाउंट में आज पैसा नहीं है, आप इस चेक को 10 दिन बाद डाल देना। वो होता है पोस्ट डेटेड चेक। चेक तो मिला आज की डेट में लेकिन डालना कब है? 10 दिन बाद। ओके वो कहलाता है पोस्ट डेटेड। क्लियर है? सर। उसके बाद आप F11 का यूज नहीं कीजिए, F12 का। हर जगह आपको F12 बटन दिखेगा। आप इस पे जैसे ही F12 दबाएंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे पहला लिखा है अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, जैसे एड्रेस, जैसे डिटेल डिस्पैच। आप देखते होंगे जब भी आप सेल करते हो यहाँ से इंटर मार्केट नीचे जाते हो, ये डिटेल खुल के आती है ना, डिस्पैच डिटेल। क्या खुल के आई है? हेलो, सर ये डिटेल डालनी है ना सर। नहीं मैं कह रहा हूँ ये खुल के कैसे आई है, अगर कल को बंद करना हो तो कैसे बंद करेंगे, हमें इस ओके टॉपिक ओके के बारे में सीखना है। तो आप जब भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपके मन में आती है, ये बटन क्यों आ रहा है, अगर मुझे ये हटाना हो तो कैसे हटेगा ये मुझे, वगैरह वगैरह, तो आप अपने कीबोर्ड पे F12 बटन दबाइए तो पहला टॉपिक मिलेगा अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, जैसे एड्रेस डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल। अगर आप इसको नो कर दोगे तो जब भी आप ये काम करोगे तो इस फील्ड में देखो जैसे इंटर मारोगे वो डिस्पैच डिटेल नहीं आएगी। हाँ बहुत सी सर ओके। जगह टैली में कच्चे में काम होता है। किसमें काम होता है? कच्चे के अंदर तो वो लोग डिस्पैच डिटेल नहीं डालते, तो बाय डिफॉल्ट डिस्पैच डिटेल टॉपिक को नो कहां से करा हुआ है उन्होंने? F12 करा और यहाँ पर जाकर उन्होंने डिस्पैच डिटेल को नो कर दिया। नेक्स्ट कहता है कि प्रिंट डिफॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी। आप हमेशा पार्टी का जो नेम है और उसका एड्रेस है वो डिफॉल्ट प्रिंट कर देना। क्या कर देना आप उसको? हेलो हाँ यस सर। पढ़िए देखो सेकंड क्या लिखा है, प्रिंट डिफॉल्ट हाँ नेम एंड पार्टी ओके एड्रेस। अगर आप इसको यस कर दोगे तो ये पार्टी का नेम और जो भी पार्टी का एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक दिखा देगा। जैसे मैं कोई कंपनी खोल लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी काम हो रखा हूँ, टैक्स कंपनी को खोल लेता हूँ, अकाउंटिंग में जाता हूँ और सेल के बिल को ले आता हूँ, जैसे ये सेल का बिल है, मैं चाहता हूं जब भी सेल के बिल का प्रिंट आउट निकालूं तो
तो जो पार्टी का नेम है वो बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस प्रिंट हो जाए, मुझे करना ना पड़े। तो ओल्ड क्लिक करोगे और जैसे ही इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे उसमें क्या होगा, जो पार्टी का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट आपको शो हो जाएगा। हमने डाला नहीं है इसलिए तो शो नहीं हो रहा, अगर डाला होता तो शो हो जाता। ठीक है, तो आप F+ इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनिंग नेम। कहता है कि आप अलग से मुझे बायर का नेम और कंसाइनिंग बता दो। आपने वंजुल कभी सुना है ऐसा कि आपने माल बेचा ए पार्टी को, डिलीवरी करनी है बी पार्टी को, जिसे बिल टू शिप टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल टू शिप टू, सुना है ऐसा आप लोगों ने, बिल बनाओ बिल बने ए के नाम से और डिलीवरी हो सी के नाम पे। मतलब आप मेरी पार्टी हो और आप गुजरात में रहते हो, आपने कहा सर मेरा ऑर्डर लिख लो और मेरा माल मेरे पास माल मत भेज के किसी अदर पार्टी पे भेज दो, वो मेरी पार्टी है। क्या कर दो, वो मेरी पार्टी पे। हाँ सर, क्लियर है। तो आप टॉपिक को करके कंट्रोल लेकर के सेव करोगे तो क्या होगा, जब भी एंटर मारोगे तो क्या होगा, वो आपसे बिलिंग शिपिंग डिटेल पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, बिलिंग शिपिंग डिटेल। अभी नहीं पूछी, इस पार्टी को कंट्रोल एंटर से मॉडिफाई करते हैं, एफ टू ऑल कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं, नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टॉपिक अनेबल डिसेबल कर रखा। कौन सा ये रहा, अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल। अगर मैं इसको अनेबल कर दूंगा, उस टॉपिक को भी अनेबल करूंगा ना, फिर देखिए मैं जैसे ही इंटर मारूंगा ना तो यहाँ पर टॉपिक खुल के आ जाएगा, ये कंसाइनी है और ये बायर है। ध्यान दो यहाँ पर क्या आ गया, कंसाइनी जिस पार्टी का ऑर्डर है। हाँ। मतलब कंसाइनी जिसका ऑर्डर है, मतलब जिसपे भेजना है, और ये बायर है, बायर खरीदने वाला है, और कंसाइनिंग जहाँ पर आपको डिलीवरी देनी है, ये वो एड्रेस है। पता है मार्केट में बिल टू शिफ्ट टू के नाम से इसको बोला जाता है कि सर मेरा ऑर्डर बना लीजिए आप, लेकिन डिलीवरी मेरे पास मत कीजिएगा, डिलीवरी किसी और के पास कीजिएगा। तो इसे बिल टू शिफ्ट टू बोलते हैं। उसके बाद F12 करोगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा वो नेक्स्ट टॉपिक है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ये क्या होता है, अभी आप देखो मैं नो नहीं कर रहा हूँ, अभी आप देख लो ना टॉपिक मिल रहा है सेल लेजर, किस तरह हमें बनाना क्यों पड़ता है, जब हम सेल के अंदर हैं तो बाय डिफॉल्ट ही बनाना क्यों पड़ता है। क्लियर है। या सर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे को ये सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है, किसी को अलग अलग जगह ट्रांसफर करना है। मैं चाहता हूँ कि आइटम 193 सेल 1 के अंदर जाए और बाकी सारी आइटम सेल 2 के अंदर आए। अब आइटम वाइज इस लेजर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक पर यूज करेंगे, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस टॉपिक को नो कर दोगे और जैसे ही करोगे तो देखिए यहाँ से वो टॉपिक गायब हो जाएगा। वो गायब हो गया, दिख रहा है बंजुल आपको यहाँ से? हाँ सर, सेल अकाउंट गायब हो गया। बंजुल आपको दिख रहा है? गायब हो गया? यस सर। लेकिन वो टॉपिक सर चला कहाँ गया? वो टॉपिक वहां चला गया जब तुम आइटम पे एंटर मारोगे ना और जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ टॉपिक आ जाएगा वो। मतलब अब ये आइटम वाइज फिक्स हो गया है कि अब आप हर आइटम पे अलग अलग टॉपिक दे सकते हो। इसका यूज होता कहाँ है ये समझना है। कभी कभी हमारे पास ना जो आइटमें आती हैं वो अलग अलग टैक्स रेट की आती हैं। कोई आइटम 18% टैक्स की होती है, कोई आइटम 12% टैक्स की होती है। हम चाहते हैं कि 12 वाली आइटम 12 वाले टैक्स में जाए, 18 वाली आइटम 18% वाले टैक्स में जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इस टॉपिक को हम अनेबल रहन देते हैं, क्या कर देते हैं, अनेबल रहन देते हैं, तो आप एक बार में एक ही डाल सकते हो, या तो आप 12 डाल सकते हो ऊपर, या तो 18 डाल सकते हो यहाँ पर, या तो 12 एक ही बार में एक ही तो लिख सकते हो। हेलो,
हाँ यस सर, एक बार में एक ही तो लिख सकते हो आप, हाँ सर, तो आप चाहते हो कि आइटम के हिसाब से फिक्स हो जाएं, किसके बिहाफ से फिक्स हो जाएं, आइटम के बिहाफ आइटम से फिक्स हो जाएं, तो आप हमेशा F12 करके इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, जिसका नाम होता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। क्लियर यस सर, है? नेक्स्ट टॉपिक होता है यूज डिपोल फॉर बिल एलोकेशन। ये क्या होता है? इस टॉपिक को मैं बाद में बता दूंगा। क्यों बाद में बताऊंगा? क्योंकि जब मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा, ये वाला मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, तब इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि रियल में इसका यूज क्या है। F12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा है? यूज वाउचर नंबर, बिल रेफरेंस नंबर और बिल एलोकेशन। ये क्या होता है? ये भी उसी टॉपिक से रिलेट करता है जो आपको मैंने वहां बताया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, मंजिल पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है। provide additional descriptions for stock item. क्या लिखा है? provide प्रोवाइड descriptions for stock item. एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम। सर मतलब क्या है? मतलब यह है कि सर ये आइटम का नेम है, लेकिन मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए, हेलो, yes sir. मुझे डिस्क्राइब करना है इसको। क्या करना है? डिस्क्राइब हाँ करना। सर, तो मैं F12 करके इस टॉपिक को अनेबल करूंगा, अनेबल, और इसको एंटर मार के अनेबल कर। जब भी आप इस आइटम का नाम लिखोगे, जब पूछेगा सर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन हो, गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, इंटेक्स कंपनी, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ डाल सकते हो। ओके ये कहलाती है आइटम डिस्क्रिप्शन। क्या ये आइटम सर प्रिंट होगी? क्या ये प्रिंट में शो होगी डिस्क्रिप्शन? आपके सामने आंसर आपका है। ओके जितनी डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे उतनी आपकी शो होगी। अगर आप 10 डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो 10 शो होगी, अगर आप 15 डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो 15 शो होगी। जैसे आपने इंटर मारा और आगे गए, नेक्स्ट टॉपिक आए, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी HP कंपनी, लिनोवा, एमआई डाल दो, तो जितनी डिस्क्रिप्शन होंगी सब यहाँ शो हो जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको मिलता है वो मिलता है वार्निंग इफ योर वाउचर नंबर इज ग्रेटर देन 60 कैरेक्टर। कहता है कि अगर आपने वाउचर नंबर कितना डाला है, 16 डिजिट से ज्यादा का डाला है, तो वो आपको एक वार्निंग देगा कि योर वाउचर नंबर इज ग्रेटर देन 60, आर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। क्लियर सर, एक बार बताना। है? कह रहा है कि अगर आपने परचेज करते वक्त जो यहाँ वाउचर नंबर डालोगे, अगर इसकी लेंथ 16 कैरेक्टर से ज्यादा की हो जाएगी, सर, केस में आपको करना क्या? तो 16 ज्यादा हो गई। अभी यस करा हुआ है मैंने, तो वहां कुछ नहीं करा। अगर मैं इसको नो कर दूंगा ना तो मुझे वार्निंग दे देगा। वार्निंग एक्चुअली इसको ना वाउचर टैगिंग के अंदर से अनेबल करना पड़ेगा, तभी ये करेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका वाउचर नंबर कितना हो जाता है, 16 से ज्यादा या एक्सीड हो जाता है, तो वो आपको एक मैसेज दे देगा। क्लियर है? नीचे लिखिए, पढ़िए क्या ओके लिखा है। कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल। जो भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है? सब टोटल पे, ना कि टोटल बिल पे। सर सब टोटल और इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो आपका देख रहे हो ये टोटल, इसके अंदर जो माइनस हो गया, इसके बाद जो फिगर आएगी सब टोटल कहलाता है। ये सब टोटल है, ओके
ये माइनस हो गया, क्लियर है, और ये आपका नेट, इसको बोलते हैं सब टोटल। अभी पूरा टोटल नहीं है, क्या है, सब टोटल है, सब क्लियर है। यस सर। उसके बाद F12 करोगे तो एक नीचे पॉपअप मिलेगा जिसका नाम है वार्निंग ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। अगर कभी आपका स्टॉक नेगेटिव जाता है तो ओके। अगर आप हटाना चाहते हो तो यहां से कर लो। उसके बाद नीचे लिखा है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। जैसे ही आप F12 करोगे यहाँ पर और मोर ऑप्शन आपको स्टोर होंगे, बट ये जो मोर ऑप्शन है आपके लिए यूजेबल नहीं, बस यही मोर ऑप्शन आपके लिए यूजेबल थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। एक चीज याद रखना, आप सेल पे खड़े हो तो F12 अलग तरीके से दिखेगा, अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन जब आप F8 पे जाओगे मतलब परचेज करने जाओगे और F12 करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे, कुछ सिमिलियर होंगे कुछ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि परचेज के लिए परचेज के ऑप्शन होते हैं, सेल के लिए सेल के। अगर आप पेमेंट पे जाके F12 बटन करोगे तो पेमेंट के अलग टॉपिक मिलते हैं। ओके ठीक है, ओके सर, क्लियर है, ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए ना कितने सारे टॉपिक। सर आप बताइए इसकी नीड क्या थी, आपको इस टॉपिक को बताने का मोटिव एक्चुअली क्या था। मोटिव ये था कि जब भी आप सेल या परचेज करते हो तो इंटर मारते हो एक स्क्रीन आती है, सर ये स्क्रीन आती कहाँ से, सर ये स्क्रीन हटती कैसे, सर इसके अंदर चीजें कम कैसे कर सकते, सर इसके अंदर चीजें जोड़ कैसे सकते, ये सभी काम जो आपके मन में चलता है वो सारा F12 से रिजोल्व होगा। कुछ चीजें आपको पढ़ने से समझ में आ जाएंगे, कुछ चीज आपको सीखने से समझ में आएंगे, जैसे अनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, एडेड डिटेल, डिस्पैच डिटेल। इसका मतलब है कि सर जब भी मैं पार्टी पे एंटर मारता हूँ जो पॉपअप आता है ये उस पॉपअप का मतलब होता है, क्लियर होता है, ये उस पॉपअप का मतलब, यस सर, क्लियर। दूसरा ये yes. नॉर्मल होता है, बहुत रियल केस में लोग यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो और जब आपको यहाँ F12 करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये बहुत सारी चीजें क्या बताते हैं, ये बताती हैं कि आपको अपना जो टैली का प्रिंट आउट निकालना है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। अभी आप देख लेते, आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो प्रिंट होके आ रही थी। क्यों प्रिंट होके आ रही थी, रीजन यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिंट एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर द आइटम। यस, अगर उस आइटम की एडिशनल डिस्क्रिप्शन है तो उसको प्रिंट करो, अगर नहीं है तो उसको स्टॉप कर दो। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो हमारी कंपनी का IT पैन कार्ड है उसका GSTN नंबर डाल, उसका पिन कार्ड को प्रिंट करो, कंपनी का पिन कार्ड को प्रिंट करो, ये सब आप जब भी प्रिंट आउट करोगे ना इसको, देखो सब नीचे गिवन होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे डली होती है, यहाँ डली होती है, इनको हटाना इनको लाना। आप कहते सर इतनी सारी चीजें ना इनको चेंज कर सकते हैं, तो वही आप जब प्रिंट हो तो ओल्ड F12 करके यहाँ से पढ़ के जो आपके लिए रेलिवेंट है उसको रखिए, जो आपके लिए नहीं है उसको हटा दो। आप चाहते हो कि प्रिंट रेट कॉलम ना है, कि प्रिंट में रेट का कॉलम ना है, आप इसको हटा दो तो आपका वो आएगा ही नहीं प्रिंट का कॉलम, ये देखो। गायब हो गया। F12 करो, अगर लाना है तो वही यहां से प्रिंट निकालो पहले, F12 करो तो वो टॉपिक आपको यहां से मिल जाएगा, क्लियर है। ऊपर देखो क्या लिखा है, प्रिंट इन अ सिंपल फॉर्मेट, प्रिंट कंस्टमर सिग्नेचर। सर मुझे जब ये भी चाहिए, जब भी मैं पार्टी का वो निकालू सिग्नेचर प्रिंट आउट निकाले तो पार्टी के सिग्नेचर के लिए भी मुझसे पूछे। अभी तो मेरे सिग्नेचर आते हैं, मुझे पार्टी के सिग्नेचर भेज दो, उसको यस करो, कंट्रोल ए कर दो, और देखो यहाँ पार्टी के सिग्नेचर के लिए भी आ जाएगा। ये पार्टी के सिग्नेचर के लिए है और नीचे वाला हमारे फर्म के सिग्नेचर के लिए, कह रहे ऐसा ही कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप प्रिंट निकालो तो F12 करो, एक बार पढ़ो और समझो इन टॉपिकों का मतलब क्या है। जैसे आपकी बैंक की डिटेल कभी प्रिंट होके नहीं आती आपके इसमें,
अगर आप इस टॉपिक को यस करोगे तो आपकी जो भी बैंक की डिटेल होगी वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। कर दी। अभी सर यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने माल कैश में नहीं, बैंक से नहीं भेजा, किससे भेजा है? एडी से। आप चाहते हो मेरी बैंक की डिटेल आ जाए तो आप क्या करो, यहाँ आओ, आपका जो भी बैंक का नाम है उसके अंदर जो भी डिटेल है वो फिलअप कर दो, यहाँ से डाल दो अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर वो डाल दो। जैसे मैं अपना फोन नंबर डालता हूँ, एफसी कोड में आईएफसी कोड डाल देता हूँ, बैंक के नेम में क्या डालता हूँ, बैंक का नेम और के यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रांच नेम कृष्णा, ना कर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल ए उल्टी करता हूँ, एन एफ इंटर मार देता हूँ, नीचे आके देखता हूँ। पढ़ो यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी। अगर पता है ये सीखने का मोटिव क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं तो हमारे मन में आती है कि थोड़ा सा सेपरेट दिखे, अच्छा दिखे। देखो नीचे लिखे आता है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो थैंक यू फॉर विजिटिंग अवर शॉप अवर मॉल या जो भी लिखना है, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। F12 करो तो और मोर ऑप्शन है, कितनी हाइट का होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, अब यहाँ से हाइट वाइट भी फिक्स कर सकते हो, प्रिंट पेपर की के वेरीफाई इनिशियली होना चाहिए, वाउचर रेफरेंस होना चाहिए, अबाउट प्रिंट सीरियल नंबर आना चाहिए, एड डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, नरेशन आनी चाहिए, नरेशन नहीं आनी चाहिए, सब टोटल दिखे ना दिखे, बिल वाइज डिटेल दिखे ना दिखे, सारी कॉपी के कहाँ से मिलेंगे आपको? F12 से। आपने देखा वो टैली हमेशा A4 के फॉर्मेट में होता है, मतलब पूरी ए शीट का होता है, अगर आपको आधा करना है तो यहाँ से आधा कर लो, वो आधा बन जाएगा आपका, तो ठीक है। ओके सर, ठीक है, यस सर, आ गया समझ में? यस सर, तो जब भी कोई यस सर, आपको परेशान करे एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें सब F12 से होगा, किससे होगा? F12 F12 से, किससे होगा? F12 से, F12, ठीक है। यस सर, बस ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया सर। कौन सा सर? जैसे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है सर, सेल अकाउंट में शो कर रहा है, सेल अकाउंट कट गया है, वो आइटम वाइज शो करेगा, ये तो आइटम वाइज ही है, लेकिन आपने F12 करके उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया। किसको? इस वाले टॉपिक को, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर द आइटम, इसको यस कर दो और कंट्रोल ए करके सेव कर दो। देखो आगे दोबारा से, क्या कह रहे हैं आप? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जब ये सेल अकाउंट हम हटा देंगे सर, आइटम वाइज आएगा ये? हाँ, फिर वो आइटम के अंदर आएगा ना। हाँ मैम, वो आइटम के अंदर आएगा फिर, जब आप आइटम से हाँ सर, आइटम के अंदर आएगा ना सर, इसका यूज कहाँ पे होगा, बेनिफिट क्या होगा सर उसका? फायदा मैंने बताया तो था आपको, आपकी एक आइटम 18% टैक्स की आती है, एक आइटम 12% टैक्स की आती है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप एक बार में एक ही तो लिख सकते हो टॉप पे। हाँ सर, या तो आप 12% लिख दोगे या तो 18% लिखोगे, लेकिन बिल में तो आपके दो तरह की है ना। यस सर, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? तो अच्छा जगह आइटम वाइज लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? आइटम वाइज, अलग अलग, हाँ अलग अलग, क्लियर है? यस सर, इसे बोलते हैं आइटम वाइज। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से अपन टैली के अंदर छोटे छोटे ऑप्शनों को यस करके अपने टैली को इजी और सिंपल कर सकते हैं। ये बताने का सिंपल मेरा मोटिव आपको टैली के अंदर थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कराना था, क्योंकि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा ही होता है। ओके, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे तो कुछ जगह आपको इतनी प्रॉब्लम होगी आप फंसते जाओगे।
लेकिन आज आपको पता चला है कि जो भी काम होता है वो सारा F12 से होता है, यस या नो करोगे तो वैसी वैसी चीजें मिलती जाएंगी। क्लियर है? ये यस सर, हमारा आज का आपका टॉपिक था। ओके।